नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा झगड़ा देखने को मिलेगा प्राची और साथ में रिया के बीच में, क्योंकि रिया और प्राची इसलिए लड़ते हुए नजर आएंगे एक दूसरे से क्योंकि रिया भड़का रही है कि तुम अभी भी इस घर की सुख शांति नहीं चाहती क्या प्राची? अगर तुम सुख शांति चाहती हो तो प्यार से शादी कर लो, फ़ायदा उसमें है कि तुम जल्द से जल्द एक बार फिर से सिड के साथ में शादी कर लो और पहले सगाई कर लो तो सब घर वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन जिसके बाद में बोलती हुई नज़र आने वाली है प्राची कि अगर ना करूं तो तुम क्या करोगी, जिसके बाद में वो बोलती हुई नज़र आएगी कि तुम्हारा रणवीर पर ध्यान है, रणवीर को अपनाना चाहती हो तुम, रणवीर को अपने जाल में फंसा रही हो, जिसके बाद में प्राची बोल देगी कि ठीक है मैं सगाई भी कर लूँगी और शादी भी कर लूँगी। अगर तुम्हें यही लग रहा है कि मैं रणवीर के मारे नहीं कर रही तो तुम चिंता ना करो, मैं सिड से ही करूँगी। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही आलिया और रिया एक्सपोज होंगी और एक्सपोज भी कोई और नहीं करेगा क्योंकि एक्सपोज करने वाले खुद सिड ही हैं, क्योंकि सिड और दीदा दोनों ही एक बार फिर से एक्सपोज करेंगे। और एक्सपोज करने के बाद में आप लोग समझ चुके हैं कि कहानी में वाकई में नया दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से रिया और आलिया का जो असली चेहरा है वो सभी लोगों के बीच में आने जा रहा है। क्योंकि रणवीर तो मिलने से दूर रहा, रिया को और भी बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देख पाएंगे कि रिया जबरदस्ती रणवीर के साथ होने की मतलब एक ख्वाहिश पैदा करती है कि मैं रणवीर के साथ रणवीर के रूम में फिर से एक साथ लेट लूँ। लेकिन दोस्तों, रणवीर मना कर देगा कि मेरे साथ में किसी भी तरीका से रात गुजारने की या किसी भी तरीका का सपना देखना बंद कर दो, मैंने प्राची से ही प्यार किया है और प्राची से मरते दम तक मैं प्यार करूँगा, तुम्हें तो मैं भूल कर भी मुँह नहीं लगा पाऊँगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर रणवीर को एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों वाकई में रणवीर सच्चा प्यार करता है प्राची से। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।